नमस्कार, एनआई न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। एक अच्छी खबर नेपाल के लिए निकलकर सामने आई है। खबर है उन चीजों की जिसका नेपाल से बहुत ही गहरा नाता है, और ये चीज कुछ चुनिंदा देशों के पास ही है जिसमें नेपाल भी शामिल है, और ये आपको शायद ही पता होगा। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ एपिस लेब्रियोसा का, द हिमालयन जायंट हनी बी की, यानी कि हिमालय की मधुमक्खी की। दोस्तों, ये दुनिया की सबसे बड़ी हनी बी यानी कि मधुमक्खी है, और ये दुनिया के कुछ ही देशों में पाई जाती है जिसमें नेपाल भी है। दोस्तों, इसके शहद में इतनी क्वालिटीज यानी कि गुणवत्ता है कि आप सोच भी नहीं सकते। इसीलिए इसकी कीमत सोने से भी महंगी है, जिसकी बात हम आगे वीडियो में करेंगे। और साथ ही हम बात करेंगे इस मधुमक्खी की खासियत की और ये नेपाल से किस तरह से जुड़ी है। तो पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें, कहीं भी स्किप ना करें। इसके फायदे इतने हैं कि नेपालियों को इसके बारे में तो पता होना ही चाहिए, क्योंकि ये हेल्थ से रिलेटेड एक बहुत बड़ी चीज है। इसीलिए हमारी हेल्दी नेपाल की प्लेलिस्ट में शामिल है। साथ ही इस हनी बी के फैक्ट इतने इंटरेस्टिंग है कि ये बनाती है जगह हमारी OMG नेपाल की सीरीज में भी। तो कमेंट बॉक्स में फटाफट से OMG नेपाल हनी बी लिखकर कमेंट कीजिए। और चलिए बढ़ते हैं इस खबर की ओर विस्तार से। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही वीडियो को पूरा जरूर देखें पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इस जायंट हिमालयन हनी बी यानी कि मधुमक्खी, जिसका नाम है एपिस लेब्रियोसा। साथ ही ये दुनिया की सबसे बड़ी मधुमक्खी है, जिसका साइज है करीबन 3 सेंटीमीटर यानी कि 1.2 इंच। दोस्तों, इसे एपिस डोर्साटा की स्पेसीज ही माना जाता था, पर 1980s के बाद से ही इसे सेपरेट स्पेसीज में रखा गया। नेपाल के इस मधुमक्खी के शहद को मैड हनी और रेड हनी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि नेपाल की इस मधुमक्खी के शहद की इंटरनेशनल वैल्यू बहुत ही ज्यादा है। आपको बता दें कि करीबन 100 ग्राम मैड हनी यानी कि रेड हनी करीबन 8 से 10 हजार नेपाली रुपए के बीच में इंटरनेशनल मार्केट्स में बिकता है, और ये जल्द मिलता भी नहीं है। तो अब जानते हैं कि नेपाल में पाई जाने वाली ये हनी भी इतनी खास क्यों है और इसका शहद इतना महंगा क्यों है। तो सबसे पहली बात, ये शहद इतना खास इसलिए है क्योंकि ये दुनिया के कुछ चुनिंदा देशों में ही पाई जाने वाली प्रजाति है। साथ ही साथ इसको रहने के लिए जो क्लाइमेट चाहिए वो भी हर देश में नहीं उपलब्ध है। इसे सिर्फ नेपाल, माउंटेन रीजन ऑफ भूटान, चाइना के प्रोविंस युआन, इंडिया, म्यांमार, लायोस और वियतनाम में ही पाया जाता है, जो इसे बेहद ही खास बनाता है। दूसरी सबसे खास चीज जो इस शहद को इतना महंगा बनाती है वो है इसका ऊंचे पहाड़ों पर पाया जाना। आपको बता दें कि इस खास मधुमक्खी एपिस लेब्रियोसा के ज्यादातर हाइव्स यानी कि छत्ते 2500 मीटर से 3000 मीटर की ऊंचाई पर ही पाए जाते हैं, जो कि है करीबन 8200 फीट से लेकर 9800 फीट तक। और ये छत्ते पहाड़ियों और ऊंचे स्थानों पर होते हैं, जिसके चलते इसको निकालना बेहद ही कठिन हो जाता है। ये छत्ते काफी बड़े आकार के होते हैं, साथ ही साथ एक छत्ते यानी कि हाइव में करीबन 60 किलो तक की शहद निकलता है। तो तीसरी चीज जो इस मधुमक्खी के शहद को इतना महंगा बना देती है वो ये है कि ये मधुमक्खी उन फूलों से शहद बनाती है जो ऊंचे पहाड़ों पर होते हैं। ये करीबन 4100 मीटर यानी कि 13500 फीट की ऊंचाइयों तक जाकर फूलों का रस चूसती है, और उन्हीं फूलों के रसों से मधुमक्खी शहद को बनाती है। इसलिए ये शहद बेहद ही खास हो जाता है, क्योंकि ये निचले इलाकों के फूलों से नहीं बनता। चौथी चीज जो इस शहद को और भी खास बनाती है वो है इसकी मेडिकल वैल्यूज। इसमें इंटॉक्सिकेटिंग क्वालिटीज भी पाई जाती हैं, यानी कि एक नशीली क्वालिटी जो कि मेडिकल फैसिलिटीज के लिए भी यूज होती है, जो कि इसमें ग्रेनाटोटॉक्सिन की वजह से पाई जाती है, और इसका मेडिकल का यूज ही इसे काफी ज्यादा खास बनाता है। आपको बता दें कि ज्यादातर नेपाली गुरुंग लोग इसकी हार्वेस्टिंग नेपाल में करते हैं। कुछ और चीज जो इसको बेहद ही खास बनाती है वो है इसका लव ड्रग कहा जाना। जी हाँ, कहा जाता है कि ये कई सेक्सुअल प्रॉब्लम्स को भी दूर करता है, साथ ही साथ सेक्सुअल परफॉर्मेंस को भी इनहेंस करने में ये हनी मदद करता है, तभी इसको लव ड्रग के नाम से भी जाना जाता है, और ये खासियत भी इसको और खास बनाती है। दोस्तों, इसमें पाए जाने वाले विटामिन्स की बात करें तो इसमें विटामिन बी की कई सीरीज पाई जाती हैं, जैसे विटामिन बी1, विटामिन बी2,
विटामिन B3, विटामिन B5, विटामिन B6 और विटामिन सी भी इसमें मिलता है। साथ ही साथ इसमें कैल्शियम और कई अमीनो एसिड्स भी मिलते हैं, जिसकी वजह से ये शहद और खास हो जाता है और ये कई बीमारियों से लड़ने की क्षमता देता है। दोस्तों, इस मैड हनी यानी कि रेड हनी में पाया जाने वाला पदार्थ जो इसे सबसे खास बनाता है वो है ग्रेनाटोटॉक्सिन, जिसे एक तरह से एक हल्का एनेस्थीसिया जैसा माना जाता है। ये आदमी को रिलैक्स फील कराता है, जो कि न्यूरोटॉक्सिक कंपाउंड की वजह से ही होता है। ये टेंशन में काफी रिलैक्स पहुंचाने का काम भी करता है, इसलिए इसका सही अमाउंट यूज करना भी उतना ही जरूरी हो जाता है, ताकि इसका ओवरडोज ना हो। सही मात्रा की बात करें तो 1 से 2 चम्मच टीस्पून ही लेना इसे एक बार में सही होगा। दोस्तों, हिमालयन हनी भी ये अपने आप में एक बड़ा टर्म है, क्योंकि अपीस की करीबन 4 प्रजातियां नेपाल के हिमालयास पर पाई जाती हैं, जिसमें है अपीस सेराना, अपीस फेलोरिया, अपीस डोरसाटा और अपीस लेब्रियोसा। और यहाँ हम बात कर रहे हैं अपीस लेब्रियोसा की, जो दुनिया की सबसे बड़ी मधुमक्खी है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अपीस लेब्रियोसा का हर शहद मैड हनी यानी कि रेड हनी नहीं होता। अपीस लेब्रियोसा के 3 डिफरेंट टाइप के हनी होते हैं। सबसे पहला है मैड हनी, या फिर जिसको हम कहते हैं रेड हनी, जो कि हाई एल्टीट्यूड पर मिलता है, यानी कि ऊंचे पहाड़ों पर। दूसरा होता है स्प्रिंग हनी, जिसे मीडियम ऊंचाई पर पाया जाता है पहाड़ों पर। और तीसरा होता है ऑटुमा हनी, जो कि किसी भी साइट से निकाला जाता है जो कि निचली साइट होती है, और इनकी ऊंचाई ही इस एक मधुमक्खी के शहद को डिफरेंशिएट करती है। जैसा कि सबसे रेयर है रेड हनी यानी कि मैड हनी, नेपाल के हनी हंटर इसकी तलाश करते रहते हैं और इसको बहुत ही ऊंचे दामों पर बेचते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी क्वालिटीज हैं। आपको मैड हनी ही सिर्फ 5 गुना से ज्यादा दामों पर बिकता हुआ नजर आएगा स्प्रिंग हनी और ऑटुमा हनी से, जो कि इन्हीं मधुमक्खी के द्वारा ही निकाला जाता है। दोस्तों, मैड हनी यानी कि रेड हनी नेपाल से जापान, कोरिया और हांगकांग जैसे देशों को एक्सपोर्ट किया जाता है, जहां केवल 100 ग्राम इस शहद की कीमत होती है 8,000 से 10,000 के बीच में, जो कि बनाती है इसको एक OMG नेपाल हनी। इसकी स्पेशलिटी भी आपको OMG बोलने पर मजबूर कर देगी। तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें OMG नेपाल मैड हनी से। तो कैसी लगी आपको ये रिपोर्ट, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक जरूर कर ले और इस वीडियो को अपनी फ्रेंड्स और फैमिली तक शेयर जरूर करें, ताकि इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके और लोगों की भी नॉलेज बढ़े। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकन जरूर दबा लें, ताकि लेटेस्ट अपडेट आप सभी तक पहुंच सके। धन्यवाद NI News।